और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी की खबर है। लखनऊ से गिरफ्तार हुए धमकी देने वाले ताहर और ओम प्रकाश, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है यूपीएसटीएफ ने। ये गिरफ्तारी की है, गोंडा के रहने वाले हैं ये दोनों आरोपी और इनसे अब पूछताछ की जा रही है। दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं, ताहर और ओम प्रकाश, इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। यूपीएसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। दरअसल ऐसी धमकी सामने आई, गोंडा के रहने वाले ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं और उनसे अब पूछताछ होगी और इस पूरे सिलसिले में अब जांच शुरू होगी कि आखिर ये लोग कौन है, इस तरीके की धमकी इनके द्वारा क्यों दी गई। तो अब पूछताछ जारी है, लखनऊ से गिरफ्तारी की है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पहुंचा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से। पहले ये धमकी देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई, फिलहाल गोंडा के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी की खबर इनके द्वारा फैलाई गई थी, आरोप लगे हैं। लखनऊ से फिलहाल धमकी देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, ताहर और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल तमाम सवाल जवाब इनसे किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये धमकी इनके द्वारा क्यों भेजी गई, क्या ये दोनों ही है या फिर इनके पीछे कोई गिरोह है। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भरी खबरों के ऊपर कार्रवाई करते हुए लखनऊ से दो लोगों को, दो आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। दोनों का नाम ताहर और ओम प्रकाश बताया जा रहा है। फिलहाल यूपीएसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया है और एसटीएफ की टीम और साथ साथ में यूपी पुलिस छानबीन कर रही है और सवाल जवाब दोनों आरोपियों से लगातार जारी है। आपको बता दें कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भरी खबरें इनके द्वारा फैलाई गई और धमकी इनके द्वारा दी गई, जिसके ऊपर सख्त रुख अपनाते हुए यूपीएसटीएफ ने दोनों आरोपियों को लखनऊ से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद और तैयारियां लगातार तेजी के साथ में की जा रही हैं। वहीं धमकी इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा दी गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए यूपीएसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अब वो समय नहीं रहा जब धमकियों को लाइटली लिया जाता था, अब धमकियों को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है और उसी के चलते दो व्यक्तियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनके साथ में कौन कौन है। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर लखनऊ से गिरफ्तार हुए हैं धमकी देने वाले। आपको बता दें ताहर और ओम प्रकाश नाम है इन दो युवकों का, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपीएसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया और अब पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर ये धमकी क्यों दी गई थी, क्या मकसद था इनका, क्या वाकई में वो राम मंदिर को उड़ाना चाहते थे या केवल धमकी देकर लाइमलाइट बटोरना चाहते थे, क्योंकि बीते कुछ वक्त में हमने इस तरह की खबरें भी देखी है। ताहर और ओम प्रकाश से फिलहाल पूछताछ जारी है, यूपीएसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया है और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनके साथ और कौन कौन है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उन आरोपियों की, ताहर और ओम प्रकाश की। ये तस्वीर ओम प्रकाश की फिलहाल तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो और ये है ताहर। ये दोनों वो युवक जिनको गिरफ्तार किया गया है धमकी देने के मामले में। इन्होंने धमकी दी थी कि राम मंदिर को उड़ा देंगे। अब देखिए राम मंदिर, पहले आप ये जान लीजिए कि गोंडा के रहने वाले हैं ये दोनों और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी इन्होंने दी थी, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी लोगों की अब आस्था राम मंदिर से जुड़ी है, सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 22 जनवरी का। और इसी बीच दो युवक आते हैं और धमकी देते हैं कि वो राम मंदिर को उड़ा देंगे। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, ये दोनों वो युवक हैं जिन्होंने धमकी दी थी और जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब गिरफ्त में इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके साथ में और कौन कौन मौजूद है। तो देखिए दोनों व्यक्तियों की आप तस्वीर देख रहे हैं, यूपीएसटीएफ के द्वारा फिलहाल कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी इनके द्वारा दी गई।